गेहूं की कटाई हो चुकी, चारों तरफ खेत खाली हैं। इस समय कपास की बिजाई और तूड़ी की ढुआई दो चीज तेजी से चल रही हैं। कुओं में पानी है तब तक तो ये खूब तीन तीन फसलें ली जा रही हैं, लेकिन जिस दिन ये कुओं से पानी टूट गया, क्योंकि लगभग टूटने कगार पर है, तब गड़बड़ होगी। अभी चारों तरफ ट्रैक्टर चल रहे हैं या तो तूड़ी ढो रहे हैं, क्योंकि फसल तो लगभग निकल चुकी। अब कहीं एक आध जगह थोड़े बहुत गेहूं बचे हैं, सरसों पड़ी हुई है, लोगों की कटी हुई वो बची है। बहुत ज्यादा ट्रैक्टर हो चुके हैं, जिस तरफ निगाह करोगे आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे। कुओं पर ही घर बना रखे लोगों ने। ये पीने के लिए पानी रख के बैठा हूं मैं। ट्रैक्टर भर के भेजा है, घर वाले उसको उतार लेंगे तूड़े को, और अभी थोड़े दिन वापिस आएगा फिर भरेंगे। ये जाटी समी का वृक्ष बोलते हैं जिसको, समी अर्थात जाटी, राजस्थान का चंदन, खेजड़ी भी कहते हैं इसको। ये बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते इस जंगल में, लगभग 30-40 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि लगातार लोग इसको काटे जा रहे हैं, नया एक भी पेड़ नहीं उग रहा, क्योंकि ट्रैक्टरों से जोताई होती है, नए पेड़ नहीं उग पा रहे। ये पेड़ खत्म होता जा रहा है, जैसे जैसे पेड़ कम हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि इसकी मुखड़ा जड़ बहुत नीचे तक पानी को लेकर के जाती थी। ऐसे में जमीन बंजर होगी, पानी की कमी होगी, बरसात कम होगी, ये तूड़ा पड़ा है इसको आज घर पहुंचाना है। ये अभी अभी बैठे किसान, इन्होंने अभी भी ट्रैक्टर से कपास की बिजाई की है। कपास की उपज खूब होती है क्षेत्र में, परंतु समस्या एक ही है कि बारिश कम होती है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हर वर्ष 20 फुट के आसपास नीचे जा रहा है। इस समय 800 फीट तक की जो है लोगों ने बोरवेल बना रखे हैं, इससे आगे गड़बड़ है। खेती किसानी या तो अच्छी बरसात हो या फिर सिंचाई का साधन हो, नहर वगैरह, नहर इस क्षेत्र में नहीं है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। ये टिल्ला है, अट्टा नागून बोलते हैं इसको, पहले तो बहुत ऊंचा रहता, काट काट के लोगों ने जोत लिया सारा।